भाजपा सरकार सफाई कर्मचारी वर्ग का शारीरिक और मानसिक तौर पर शोषण कर रही है। आर्थिक शोषण उनके वेतन को लेकर किया जा रहा है, तो शारीरिक शोषण स्वच्छता अभियान के चलते 8 से 16 घंटे उनसे काम कराकर किया जा रहा है, तो वही मानसिक शोषण काम के तनाव और भार को लेकर कई कर्मचारी आज आत्महत्या करने पर मजबूर है, जिसके श्रेय भाजपा सरकार को जाता है। ये बात मीडिया से चर्चा में कांग्रेस सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट जयराज सिंह चौहान ने कही। आपको बात देखी, जयराम पीछे कई दिनों से ग्वालियर और इंदौर संभाग दौरे पर है, जहां वह जनसंपर्क कर सफाई कामगारों की समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के अंतर्गत सफाई कामगारों के साथ दोवें दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। सरकार की सफाई कामगार विरोधी नीतियों की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा सरकार और उसके मुखिया शिवराज चौहान से इन वर्गों को न्याय दिए जाने की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ आज भाजपा की शिवराज सरकार की सफाई कामगार विरोधियों की नीतियों के फलस्वरूप आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ और विभिन्न पदाधिकारी सफाई कामगारों के बीच जाकर अपना संघर्ष रखे हुए हैं और भाजपा की सरकार पिछले 18 साल से निरंतर सफाई कामगारों का शोषण बदस्तूर जारी किए हुए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के निर्देशानुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश के दौरे किए गए, संपूर्ण तहसीलों का दौरा किया जा रहा है, संपूर्ण जिलों का, हर जिला और तहसील के दौरे के दौरान प्रत्येक नगर निगम में सफाई कामगार वर्ग का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण किया जा रहा है। आर्थिक शोषण जब मजदूर काम करता है, सफाई मजदूर, उसके वेतन दिनांक नियत तारीख पर मिलना चाहिए। ये वेतन दिनांक की अनियमितता 5-5 महीने जारी रहती है, जिससे उसका वेतन टाइम से नहीं मिलने से उसका साहूकार और अन्य वर्गों द्वारा शोषण किया जाता है। आर्थिक शोषण इस तरीके से बदस्तूर जारी है। दूसरा, काम के वेतन में न्यूनतम मजदूरी दर को भी पालन नहीं किया जाता। कहीं ठेकेदार उसको 4,000, कहीं 2,000, कहीं 3,000 देकर उसका आर्थिक शोषण करता है। ठीक इसके विपरीत श्रम कानून 8 घंटे काम लिए जाने के लिए मजदूर को बाध्य करता है। इसके विपरीत ठेकेदार द्वारा, चूंकि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार सफाई कार्य को अधिकांश जगह ठेके पर करवा रही है, तो वो कार्य स्वच्छता अभियान के नाम पर 8 घंटे से बढ़ाकर 16 घंटे, कहीं कहीं 14 घंटे, कहीं 12 घंटे किया जा रहा है। इस तरीके से उसका शारीरिक शोषण भी बदस्तूर बंधुआ मजदूर की तरह जारी है। ठीक इसके विपरीत जब कार्य की अधिकता, श्रम की अधिकता हो जाती है, तो वो मजदूर मानसिक तनाव और अवसाद की दृष्टि से ग्रसित हो जाता है। कहीं कहीं सफाई मजदूर कामगार वर्ग मध्य प्रदेश के विभिन्न जगहों पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, भाजपा सरकार की सफाई कामगार विरोधियों की विरोधी नीति के कारण, जिसके फलस्वरूप कई सफाई कामगारों ने विभिन्न नगर पालिकाओं में हत्या भी की है। मैं इन सब के मद्देनजर एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, पत्रकार बंधुओं से। जैसा कि अभी सफाई कामगार वर्ग के बीच 25 मई को सिंधिया जी का ग्वालियर में सम्मेलन आयोजित होना था, जिसमें तीसरी बार सिंधिया जी ने समय देकर उपस्थित नहीं हुए ग्वालियर के सफाई काम, भाजपा की और सिंधिया की दलित विरोधी, सफाई काम विरोधी, कामगार विरोधी मानसिकता है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और भाजपा सरकार की श्रमिक विरोधी, सफाई कामगार विरोधियों के लिए भाजपा सरकार, शिवराज सरकार को दोषी मानता हूँ। पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप लोगों के समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा है इस समय देश के अंदर, भाजपा निश्चित तौर पर दलित विरोधी ही नहीं, आदिवासी विरोधी भी है। देश के अंदर आज संसद भवन उद्घाटन में महामहिम संविधान प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाकर निश्चित तौर पर देश के एक संविधान को, जिसमें प्रदत्त अधिकारों के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च शक्ति प्रदान प्रथम नागरिक है, उसको नहीं बुलाया जाना भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता का द्योतक है, जिसकी मैं अपने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओर से निंदा करता हूं। साथ ही ऐसी सरकार को दलित विरोधी होने के कारण तत्काल कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए संविधान प्रमुख उच्चतम न्यायालय से स्वतः संज्ञान लिए जाने की अपील करता हूँ। भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि ऐसे मामलों में वह स्वतः संज्ञान ले सकता है। राष्ट्रपति माननीय दलित हमारी श्री द्रौपदी मुर्मू का
नहीं बुलाया जाना निश्चित तौर पर संविधान के लिए एक घातक घटना है और उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं इसकी भी मांग करता हूँ और आप चाहे तो